अस्सलाम वालेकुम प्यारे छोटू की फैमिली, क्या हाल है? ठीक ठाक है? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। दिल से ढेर सारी आप लोगों के लिए दुआएं हैं कि अल्लाह ताला आपको खुश और आबाद रखे, आमीन। तो जी, आप देख रहे होंगे कि जी आपकी नाश्ता बना रही है सुबह सुबह, और साथ साथ काम भी कर रही हूँ, खाना भी बन रहा है और साथ साथ नाश्ता भी बन रहा है, सब काम इकट्ठे हो रहे हैं। और जल्दी से आज की वीडियो, हाँ जी, बहुत ही मजे की, बहुत ही अच्छी होने वाली, पूरी देखनी, बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी। और तहे दिल से आप लोगों का शुक्रिया अदा भी करना है कि इतना प्यार दे रहे हैं, इतना सपोर्ट करें, लेकिन प्यार प्यार से कमेंट्स भी कीजिएगा। आपके कमेंट्स का मुझे रहता है बहुत इंतजार, ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों को मेरी ब्लॉग कैसे लग रहे हैं, कैसे नहीं लग रहे, ताकि मैं और इनकरेज हूँ और अच्छे अच्छे ब्लॉग बनाऊँ। तो देखिए, छोटा सा पराठा बना रही हूँ अपने लिए, मैं घर में अकेली हूँ, बाकी सब गए हैं, अपना ब्लॉग मैं खुद ही शूट कर रही हूँ। और आप बताइए कि कैसे बन रहा है, बस थोड़ा सा ऊंच नीच हो जाए तो माफ कीजिएगा। तो बनाते हैं जल्दी से नाश्ता और करते हैं आया आप लोग भी, बिस्मिल्लाह करें। तो जी, माशाल्लाह से नाश्ता ले आई हूँ और आए आप लोग भी बिस्मिल्लाह करें, क्योंकि जब खाना सामने आ जाए तो उसको इंतजार नहीं करवाना चाहिए। आप कह रहे होंगे आपकी खुद अपना ब्लॉग बना रही है, किचन में भी, कमरे में भी, बस कमरा साफ सुथरा कर दिया है मैंने। अब बाहर का काम रहता है सफाइयों का, क्योंकि कल बहुत ज़्यादा रेत सीमेंट मिट्टी थी, जब तक 3-4 दिन तक सफाइयाँ ना होना मज़ा नहीं आता। तो मैंने कहा पहले कर लूँ, क्योंकि अभी मुझे 2 से 3 घंटे बाहर लगने हैं, तो वो भी आप उसे शेयर करेंगे। तो बस जल्दी से नाश्ता करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। चाय का बड़ा वाला मग है, मौसम चेंज हो गया, बड़ा वाला मग चाय का होगा, छोटा सा मेरा पराठा है, कभी स्लाइस कभी पराठा। और जो बच्चे सुबह चने छोड़ के गए थे ना, वो चने मैंने फ्रिज में रख दिए थे, अब वो मैंने निकाले हैं, तो ठंडे, मैं गर्म नहीं कर रही, पराठा गर्म बस यही काफ़ी और चाय गर्म है। तो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तो बस जल्दी जल्दी से देते हैं दाल को तड़का, और बस ये कि दाल एक आसान से बन जाती है, जिस दिन मुझे ज़्यादा काम घर के होते हैं तो उस दिन मैं बस मसूर की दाल या जैसे ऐसी सिंपल चीज़ बना लेती हूँ, ताकि वो हल्की हल्की आँच पकती रहे। और ये देखें माशाल्लाह से दाल भी हमारी अच्छे तरीके से घुल गई है, बिल्कुल मिक्स हो गई है, सॉफ्ट हो गई है। अच्छा, मैं तड़का जो देती हूँ ना, मैं देती हूँ ये बारीक बारीक मैंने जवे काट लिए लहसुन के, और साथ ये ज़ीरा है। जब ये बिल्कुल ब्राउन हो जाएंगे तो ज़ीरा मैं एंड में डालूंगी, और लाल ये मोटी मिर्ची है, ये कल ही सामान आया, आप कहेंगे शॉपरों में चीज़ें पड़ी हैं, तो मैंने अभी डब्बों में डाली है। 3 दिन मैं आपको दिखाई थी ब्लॉग में कि हमारे घर काम हो रहा है, तो बस ये इंशाल्लाह आज मैं डब्बों में डाल दूंगी चीज़ें। बस जल्दी से ये ब्राउन होती है तो इसको तड़का मज़े मज़े का देते हैं आज, मतलब लाइट खाना और हल्का फुल्का बन रहा है। और साथ देखेंगे अगर शाम को बच्चे कहेंगे तो साथ चावल बॉयल कर लेंगे या फिर दाल रोटी के साथ खा लेंगे सिंपल। तो बस डालती हूँ, तड़का देती हूँ, और अभी हस्बैंड भी थोड़ी देर में आने वाले हैं, ब्लॉग बहुत ही मज़े का होने वाला है। सोच के मुझे अभी से हंसी आ रही है और डर भी लग रहा है कि ब्लॉग में क्या होने वाला है, मुझे खुद भी नहीं पता कि क्या होगा, तो पूरे ब्लॉग आपने मिस नहीं करना, पूरा देखना है। तो बस बच्चे आ गए हैं स्कूल से, सैफुल्ला बाबा आप लोगों को छोड़ के कहाँ गए हैं? बाहर गए हैं, पता नहीं बताया नहीं किधर गए। नहीं, चलो एक आज मैं सोच रही हूँ कि बाबा से प्रैंक करते हैं, और प्रैंक क्या आपको आगे भी चल के पता चलेगा। ब्रश मैंने निकाल लिया है, अब मैं अपने हेयर खोलूँगी, उनको अंदर फोल्ड करूँगी, फोल्ड करके जब वो आएंगे ना तो मैं उनसे मैंने प्रैंक करना है। और मुझे इतना डर लग रहा है, मेरे हाथ पाँव कांप रहे हैं कि जब वो आएंगे ना, और जब प्रैंक उनसे किया जाएगा तो पता नहीं उनका क्या रिएक्शन होता है। तो जल्दी से ब्रश, अपने हेयर ब्रश करके और उसको फोल्ड करते हैं अंदर। बोला बाबा आ गए, सहन में गए, ठीक है, फेस वॉश करने गए, तो मैं बाबा के पीछे जा रही हूँ, पता चले हमने कैमरा सेट किया है ना, तो प्रैंक हमारा सारा चौपट हो जाएगा जो हमने सोचा हुआ है। ठीक है, मैं जाती हूँ, फिर आपने कैमरा ऑन करना है। वालेकुम अस्सलाम, हाँ जी फ्रेश हो गए, इधर बैठे हैं, हमेशा जब आते सोफे में बैठते हैं, थक गए हैं ना। ले आओ खाना, ले आओ खाना, ले आओ पहले। आज मैं पार्लर, पहले आपको बता दूं कि आज मैं पार्लर गई थी, इसलिए मुझे लेट हो गया खाना बनाने में, बस थोड़ा सा वो तड़का दिया हुआ है, अब थोड़ा सा पक जाए ना दाल, तो फिर लेकर आती हूँ, अभी दाल की आँच पे रखी है, जल्दी ले आओ। लेकिन ये गलती हो गई आज, मुझे बताते हुए डर लग रहा है आपको। हाँ चेहरा तो सही है, वो तो बस कोई फेशियल विशल थोड़ी कराया ना, स्किन पॉलिश कराई थी, जस्ट आईब्रो अपर लिप बनवाई थी, और बस में मेरा दिल चाह रहा था कि मैं ना थोड़ा सा बालों को ट्रिमिंग करवा लूँ, क्योंकि बाल इतने खराब हो रहे थे और काफी महीने हो गए थे, तो बस ये हुआ कि बालों के साथ ना इतने गुस्से से क्यों देख रहे हैं, मुझे डर लग रहा है, अभी बताया भी नहीं आपको, अभी से आप गुस्से से देख रहे हैं। क्या हुआ बालों के साथ? वो ना दिखाओ, कैसे दिखाऊं, अभी दिखाने के नहीं है ना, इस वजह से ये देखे, ये देख ले, यहाँ से देख ले, सही है ना। कटिंग तो नहीं करा दी? नहीं नहीं, कटिंग नहीं करवाई, मुझे पता है आपको कटिंग नहीं पसंद, कटिंग मुझे पता है आप लंबे बाल पसंद करते हो, कटिंग लो मैं हो सकता है मैं कटिंग कराऊं आपके पूछे बगैर। तो फिर क्या हुआ? बस वो मैं इसको ये कहा, वो लड़की सी थी कम एज की, जो उसकी ऑनर थी वो और काम कर रही थी, मैंने उसके कहा कि जरा मैं थोड़ी सी ट्रिमिंग कर दो बालों की, तो उसने क्या किया ना, मैं अपना मोबाइल में लगी हुई थी, जब मैंने देखा कि उसने ना मेरे बाल शॉर्ट कर दिए, इतने कर दिए। बस मैंने उसके साथ बहस भी की, उसके साथ मैंने कहा यार ने क्या कर दिया, मैंने तो आपको ट्रिमिंग का कहा था और आपने ना ऐसे ही बाल मेरे ज्यादा ही काट दिए,
और उसकी ऑनर भी उसको डांट रही थी, कहती है आपको जब ट्रिमिंग का कहा है तो आपने इतनी शॉर्ट कटिंग क्यों कर दी, कटिंग का तो मैंने कहा ही नहीं था। लेकिन फिर मैं वहाँ थोड़ी सी मैं रोने लगी, आंखों में आंसू आ गए, इतने लंबे लंबे बाल काट दिए मेरे। अब बताओ ये क्यों किया है, जब तुम्हें पता है मैंने कहा था कि बाल नहीं कटवाने। बाल मैं आपको बता तो रही हूँ कि कटिंग का मैंने नहीं सोचा हुआ था, मैंने कटिंग करवानी भी नहीं थी, लेकिन बस वो लड़की कम एज की थी, वो ऑनर जाहिर बात है मैं उसको जितना बताती हूँ वो उतना ही काम करती है, लेकिन वो अभी इतने लंबे बाल काट दिए और देखे इतने शॉर्ट हो गए। अब ये तो कोई तरीका नहीं है ना, मैंने पार्लर जाने से कभी नहीं मना किया, लेकिन ये जो बाल कटवा दिए अब क्या बनेगा। बस अब क्या बनेगा, अब मेहनत करूंगी, अब तेल शेल लगाएंगे जरा थोड़ी सी, लेकिन आप नाराज ना हो मुझसे, आपको तो मूड ऑफ हो गया आते साथ ही। बाल क्यों कटवाए, मैंने कहा ना बाल नहीं कटवाने। नहीं आपको अब देखिए मैंने आपको पूरा अभी डिटेल में बताया कि मैंने कटिंग का नहीं कहा था, मैंने सिर्फ कहा था कि शॉर्ट मुझे सिर्फ ट्रिमिंग कर दे, शॉर्ट ऐसे शॉर्ट का भी नहीं कहा था। देखो हल्के हल्के ट्रिमिंग का मतलब होता है कि इतने इतने जो बाल होते हैं ना एक्स्ट्रा, बस वो निकाले होते रफ बाल, बाकी लेंथ उतनी, बस वो बच्ची थी ना समझती, अब उसको इतना मैं कुछ कह भी नहीं सकती थी, उसकी ओनर ने डांटा था। और मैं आ गई और मैं आपको अपने बाल दिखाती हूँ, ये देखे ये है बाल, बस ये छोटे छोटे करवा लिए हैं। बस अब क्या करें, अब मुझे खुद इतनी टेंशन हो रही है, आगे फिर अब मैं जो भी मैं कहीं जाऊंगी, अभी तो मैंने अपने व्यूअर्स के साथ शेयर भी नहीं किया कि आगे हमारे ब्लॉग कैसे आने आने हैं और कैसे नहीं आने, तो बस ये है कि अब टेंशन हो रही है मुझे कि अब जो मेरे जानने वाले जो भी अब मिलेंगे मुझसे तो वो भी मेरा मजाक उड़ाएंगे, हंसेंगे कि माशाल्लाह तीन आपके बच्चे हैं इतने और आपने कटिंग करवा ली थी शॉर्ट, मुझे खुद टेंशन हो रही है। वो पहनना पड़ेगा दुपट्टा ना, मुझे स्कार्फ करके जाना पड़ेगा ना फंक्शन उसमें, अब मैं कह रही हूँ सूटों के साथ ना स्कार्फ ले आऊँ, जो मेरे सूट है उसके साथ जो भी दो सूट और लेने, एक सूट तो हो गया, तो मैं कह रही हूँ उसके साथ ना मैचिंग स्कार्फ ले आऊँ। स्कार्फ ले जाओ, ये बालों के साथ नहीं जाना। हाँ बस मुझे खुद इतना अफसोस हो रहा है, बस आप नाराज ना हो, आप भी थके आए, मूड आपका ऑफ हो गया। खाना ले आओ बस जल्दी से। चलो ठीक है। अब क्या हो गया? आप कह रहे हो कि अभी गई दोबारा आ गई, मैंने ना आप कभी तक इनको तो ना कोई रिएक्शन कुछ नहीं, और वो देखे मोबाइल लगा सैफुल्ला पीछे खड़ा वीडियो बना रहा था, वीडियो बन रही थी सैफुल्ला का, मैंने पीछे खड़ा था दरवाजे के पीछे, मां बेटे मिल गए मेरे साथ प्रैंक ही करते रहते। अब हम क्या करें, हमें कोई मिलता नहीं है प्रैंक करने के लिए, इला बिला आप ही मिलते हैं और आपके रिएक्शन भी नहीं होते, तो इसलिए हम आपके साथ ही प्रैंक करते हैं। भाई मैंने कोई कटिंग नहीं करवाई, मैंने ये बाल अपने ऊपर कैचर के साथ फोल्ड किए हैं, मैं सिर्फ मैं आपके रिएक्शन दिखाना चाहती थी अपने व्यूअर्स को कि आपको कितना गुस्सा आता है। मैं तो समझी थी कि आप मुझे धक्के देके घर से बाहर निकाल देंगे, या फिर मुझे बोलना चालना छोड़ देंगे, या फिर कहेंगे मैंने खाना ही नहीं खाना गुस्से में, लेकिन ये कि देखे पसीने आने लगे इनको परेशानी से, क्योंकि इनको लंबी लेंथ बालों की बहुत पसंद है मेरी, और ये अल्हम्दुलिल्लाह मुझे किसी चीज़ से नहीं रोकते, फैशन से नहीं रोकते, मतलब हर तरह में कहते हैं जहाँ मर्जी आओ जाओ, माशाल्लाह मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मुझे किसी चीज़ से भी नहीं रोकते। लेकिन मैंने आज देखा बालों पे थोड़े बहुत ही मुझसे नाराज़ हुए, क्योंकि कहते हैं कि कटिंग नहीं करवानी, कैंची नहीं लगवानी बालों को, लेंथ आपके बालों की मुझे बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन मैंने देखे बाल अपने फोल्ड करके कैंचर लगा लिया, आप अभी भी सत्ते में बैठे हुए कि मेरे से क्या प्रैंक किया, सॉरी भाई मैंने आपके दूसरी दफा प्रैंक किया आपके साथ, नाराज ना होइएगा और प्लीज मुझे घर से धक्के मार के ना निकालिएगा। तो बस आपको कैसा लगा आज का ये हमारा डिफरेंट ब्लॉग? तो मैं ही मिलता हूँ, मैं काम से आता हूँ, मेरे को ही तंग करते हो। कह रहे मैं काम से आता हूँ, मुझे तंग करते हैं, मुझे परेशान करते हैं, मुझे पता है मेरे हस्बैंड माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, थोड़ा बहुत तो ये माइंड करेंगे लेकिन इतना नहीं, मुझे माफ कर देंगे, शुक्रिया मुझे इन्होंने घर से निकाला धक्के मार के, भाई निकलो यहाँ से, जब बाल बड़े हो जाए जब आना अपने मैके चली जाओ, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं इनको जस्ट प्रैंक कर रही थी। और आज का हमारा छोटा सा व्लॉग था, उम्मीद करती हूँ कि आज का ये प्रैंक ये व्लॉग आपको पसंद आया होगा, और रिएक्शन आप देखिए अभी तक खामोश चुप बैठे हुए हैं, कोई माशाल्लाह इतना वो नहीं है, लेकिन थोड़े से नाराज हुए गुस्से हुए, और सैफुल्ला को मैंने पीछे बैक कैमरे पे खड़ा किया था, मैंने कहा जैसे बाबा है ना आपने कैमरा ऑन कर देना है, दरवाजे के पीछे हमने रखा हुआ था। और बस इजाजत चाहती हूँ, और प्लीज प्लीज चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें, अपनी आप ही को इजाजत चाहते हैं, अपने अपने प्यार का ख्याल रखें, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।